यूपी में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बेलगाम होती जा रही है। आलम यह है कि प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ताजा मामला यूपी के महोबा का है, जहां एक कोरोना संक्रमित महिला ने एम्बुलेंस के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। दरअसल 55 वर्षीय शकुंतला श्रीवास्तव की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक दिन पहले ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद उन्हें श्रीनगर स्थित कोविड सेंटर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीज के परिजन जिला अस्पताल में इंतजार करते रहे। करीब 5 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पाई और मरीज ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और अभी तक यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल बोले श्रीनगर जाना होगा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, कोई जवाब देने वाला नहीं है। यहाँ पर आखिर में मेरी माता जी तड़प तड़प करके जान दे दी। यहाँ के स्टाफ वालों ने बिना ही झगड़ा किया, देखिए कितना खून यहाँ पर लोग लोचा लचोड़ा है मुझको यहाँ पर। अरे जब अपनी माता पिता माता के लिए अपने पास गया कि भैया चलो, मेरी माता बहुत हाथ जोड़े पैर जोड़ा मेरे, जब नहीं आए तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने पकड़ के खींचा वहाँ पर। मतलब मेरे माता की जान ले ली यहाँ के स्टाफ ने। CMS नहीं है यहाँ पर, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्टाफ से पूछता हूँ कि भैया श्रीनगर में वेंटिलेशन की सुविधा है, तो कहते हैं हम श्रीनगर का श्री ही नहीं जानते हैं। कहते श्रीनगर ना हो गया विदेश हो गया, ये महोबा जनपद का जिला अस्पताल है। श्रीनगर अगर कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है लोगों को कि कम से कम जानकारी। और कितने मरीज आपकी माता जी? बहुत से मरीज हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। आप करके खुद देख लीजिए वार्ड में, आप जाकर एक एक मरीज से पूछ लीजिए, स्थिति देख लीजिए आप वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पर दवाइयों की क्या स्थिति है, कि डॉक्टरों की देख लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। देखिए फार्मासिस्ट में कोई फार्मासिस्ट, कोई वार्ड में कुछ नहीं है। बड़े भाई श्री रामदास यादव एडमिट है ग्राम प्रसाद जी, और सर वो बेहोशी स्थित में है, बोल नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। कई बार मैंने कहा कि ऑक्सीजन दे दीजिए, तो न कंपाउंडर सुने न कोई डॉक्टर, तो वही दी थी। वहीं महिला की मौत के बाद परिवार वालों का अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने परिवार वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोरोना पॉजिटिव थी, तीन चार घंटे से नहीं सर, 3 दिन से 2 दिन से भर्ती थी। जब इनकी आज रिपोर्ट आई है, इनको बाहर भेजने के लिए तैयार किया गया है। वो गाड़ी आ रही थी तो यहाँ पे वो कह रही ये बताइए, 5 मिनट फोन करने नहीं हुआ, गाड़ी 5 मिनट में तो आती नहीं है। करीबन एम्बुलेंस आई हुई 20 मिनट के बाद, 5 मिनट में उनने कहा अभी भेजो अभी भेजो। उनकी मृत्यु कितनी देर बाद हो गई? गाड़ी ये करीबन हो गई होगी 15 मिनट बाद। अच्छा, इसमें लापरवाही किसकी है ये बताइए? उनकी लापरवाही है जो यहाँ पर लड़ाई कर रहे, लात जूता कर रहे स्टाफ को, सबसे बड़ी लापरवाही हम उनकी मानते हैं। फिलहाल इस मामले में ना तो जिला अस्पताल का कोई डॉक्टर बोलने को तैयार है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की मौत पर कुछ बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से महिला की मौत हुई है उसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महोबा से अमित श्रोतिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।